दिया मिर्जा एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। जिनसे उनकी शादी होगी उनका नाम है वैभव रेखी। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के बांद्रा के पाली हिल इलाके की उसी इमारत के बाहर जहां पर दिया मिर्जा रहती हैं। जी हां, दिया मिर्जा इसी बेलैर बिल्डिंग में रहती है और यहीं पर दिया मिर्जा वैभव रेखी के साथ एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधेंगी। आप लोग देख सकते हैं कि शादी की तैयारियां जो हैं शुरू हो चुकी हैं। ये गेट पर भी तमाम फूल लगाए गए हैं और अंदर भी इमारत के आसपास भी पूरे इलाके को सजाया गया है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दिया मिर्जा की जो शादी है इसी इमारत के नीचे एक छोटा सा गार्डन है, उसी गार्डन में एक मंडप सजाया गया है और उसी मंडप में दिया मिर्जा और वैभव रेखी जो हैं एक शादी के बंधन में बंधेंगे। यहां पर शादी की रस्मों की शुरुआत हो चुकी है। दिया मिर्जा ने खुद ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की थी जिसमें देखा जा सकता है कि उनके हाथ में मेहंदी लगी है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये शादी जो है बेहद अंतरंग माहौल में होने वाली है। आप समझ सकते हैं कि दिया मिर्जा ने अपने ही घर को चुना है शादी के लिए, अपनी ही जो इमारत है उसके नीचे जो छोटा सा गार्डन है उसी को चुना है कि वहीं पर वो शादी करेंगी। तो इससे समझा जा सकता है कि बेहद अंतरंग माहौल में ये शादी होने वाली है और दोनों परिवार के बेहद करीबी लोग ही इस शादी में शामिल होंगे। बॉलीवुड के तमाम नामों को इनवाइट नहीं किया गया है, बहुत करीबी लोगों को ही बुलाया गया है। और एबीपी न्यूज़ को ये भी पता चला है कि वैभव रेखी जो कि शादीशुदा रह चुके हैं, उनका पहली पत्नी से अलगाव हो गया है, उनकी जो छोटी बेटी है पहली शादी से वो भी इस शादी में शामिल होंगी। और सुबह से ही यहाँ पर गहमा गहमी काफ़ी हो रही है। कार तमाम गाड़ियों का अंदर जाना और बाहर आना लगा हुआ है। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो सुबह से ही हो रही हैं यहां पर। और एबीपी न्यूज़ को ये जानकारी मिली है कि शादी के जो फेरे हैं वो शाम को 7 बजे के बाद होंगे, यानी कि दिया मिर्जा और वैभव रेखी शाम को 7 बजे के बाद एक जो मुहूर्त निकाला है पंडित जी ने उस वक्त वो लोग शादी के बंधन में बन जाएंगे। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।